भोपाल लोकसभा क्षेत्र में कल सुबह से मतदान होना है, उससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी ने आरोप लगाए हैं निर्वाचन आयोग को, उन्होंने पत्र भेजा है जिला निर्वाचन अधिकारी को। सर क्या आरोप लगाएं? आरोप ये लगाया है कि बीजेपी अपना हार स्वीकार कर चुकी है, 3 दिन से हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करो, और उसके बाद जब ना होते देख के आज रात के बाद से सुबह बुलाया गया और 15-17 कार्यकर्ताओं पे 107-16-151 लगा के उनको जेल भेजा गया है। क्षेत्र में भोपाल के किस? ये ज्यादातर नरेला क्षेत्र के हैं, नरेला में हो रहा है और वहाँ के कैबिनेट मंत्री भी हैं, और उसके बाद अभी मोहन यादव जी का दौरा हुआ था और दौरा विफल रहा था, ये कार्रवाई विफलता के कारण कर रहे हैं और किसी भी हालत में वो कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। क्या आप मानते हैं कि किस तरह का माहौल क्यों किया जा रहा है? भाई जो हारता है वो करता है ऐसा काम, इलेक्शन स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, इलेक्शन में इस पुलिस का उपयोग किया जा रहा है और व्यापक रूप से पुलिस का उपयोग किया जा रहा है। कहाँ शिकायत? अभी हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मेल किया है, ये कॉपी हमने आपको दिया है, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को किया है, और जो अभी मैं पुलिस कमिश्नर से मिलने जा रहा हूँ। अरुण श्रीवास्तव जी पुलिस कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं, उनका सीधे तौर पर आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके बूथ पर बैठने वाले जो कार्यकर्ता है कांग्रेस को, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर धाराएं लगाई जा रही है और बीजेपी में जाने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा, उससे पहले कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।